दो मुहर्रम सन 61 हिजरी को बिलाखिर इमाम अली मकाम का काफिला मक्के से करबला में वारिद हो चुका। इमाम अली मकाम को जैसे ही ये मालूम हुआ कि इस सरजमीन को करबला कहा जाता है तो इमाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल करबे वल बला। ए मेरे परवरदगार, मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ इस कर्ब और बला के मैदान से। तारीख में मिलता है कि यही वो मौका था कि जब इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, अन्नासु अबीदु दुनिया वद्दीनु लाइकुन अला अलसनतिहिम यहूतूनहु कमा दर्रत मआयशुहुम, के लोग आम इंसान ये दुनिया के बेटे हैं और दीन बस इनकी जबान पर है। जब तक इनको दीन से फायदा मिलता है तो ये दीनदार दिखाई देते हैं, लेकिन जब कुर्बानी का मौका आता है और बला का, तो फिर दीनदार अफराद की तादाद बहुत कम हो जाती है। लिहाजा हमने देखा कि हुसैन की तरफ बस मुख्तसर से अफराद, वहीं बेदीनों की तरफ एक कसीर तादाद नजर आती है। आइए इमाम अली मकाम के इस कलील लश्कर में अपने आप को शामिल करने की कोशिश करें और इमाम के रास्ते पर चलते हुए दुनिया और आखिरत में कामयाबो कामरान हो जाएं।